5 राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था आज अंबाला में औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में होगा शामिल। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली समेत दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम के बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आज करेंगे शुभारंभ। किसानों के लिए गोपाला ऐप होगा लॉन्च। बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी कुछ और योजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद भवन परिसर में राज्यसभा के 252वें सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सावधानियां बरतने की दी सलाह। उपसभापति पद के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने भरा पर्चा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा आम सहमति बनाने की कोशिश जारी। अब आपके घर तक आएगा बैंक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा। अक्टूबर 2020 से दी जाने लगेगी वित्तीय सेवाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ग्राहक मामूली शुल्क देकर उठा सकते हैं सुविधा का लाभ। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को पहले से मिल रही है सेवा। और कोविड-19 से निपटने में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है भारत। एक दिन में रिकॉर्ड 11.5 लाख से अधिक नमूनों की जांच। करीब 75,000 लोग हुए ठीक। देश भर में स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 34 लाख के पार।